हेलो फ्रेंड्स, अमेजिंग किचन बाय दीपा निगम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ बच्चे बड़ों सभी की फेवरेट बेसन वाली चटपटी मूंगफली की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे आप घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए और सारे मेजरमेंट उसी से कीजिए। यहाँ मैंने एक कटोरी मूंगफली के दाने लिए हैं। यहाँ हमें मूंगफली को भूनना नहीं है, इन्हें कच्चा ही यूज़ करना है। इन मूंगफली को हमें पानी से अच्छी तरह वॉश करना है। ऐसा करने से मूंगफली के ऊपर जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो सब हट जाती हैं। लेकिन आपको इसे तभी वॉश करना है जब आप इसे बनाने जा रहे हो। एक बोल में हाफ कटोरी बेसन डालेंगे, इसे छान लेते हैं। इसी में 1 टीस्पून चावल का आटा डालेंगे, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे। हल्दी डालने से मूंगफली पर एक अच्छे से कलर आ जाता है। आप चाहें तो तंदूरी रेड कलर भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग, 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। लगभग 1 पिंच बेकिंग सोडा डालेंगे। अब हम 2-2 चम्मच बेसन मूंगफली में मिक्स करेंगे। मिक्सचर थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करेंगे, पर हम एकदम से ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे। इसी तरह से हम सारे बेसन को मूंगफली में मिक्स करते जाएंगे। हम 1/1 टीस्पून पानी लेते जाएंगे और इसमें मिक्स करेंगे। अगर मिक्सचर ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो अंदर तक मूंगफली क्रिस्पी नहीं हो पाएंगी, और पतला हो गया तो ये कढ़ाई में जाकर के बिखर जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बेसन की कंसिस्टेंसी को सेट करेंगे। देखिए हमारा मिक्सचर रेडी है। अब हम ऑयल को गर्म करेंगे। हमें ऑयल अच्छी तरह से गर्म करना है। शुरुआत में ऑयल अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए और मूंगफली डालते समय हमें फ्लेम को मीडियम कर देना है। देखिए मिक्सर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। इसमें लगभग जितना बेसन था उतना ही इसमें आधा कटोरी इसमें पानी भी लगा है। मूंगफली अच्छी तरह बेसन से कोट है। गरम तेल में मिक्सर को डालेंगे, कलछी के पीछे के हिस्से से इसे अच्छी तरह से घुमाएंगे। बस अब हम इन्हें 7-8 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे ताकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने। जितनी देर में ये फ्राई हो रही है मूंगफली पर डालने वाला मसाला तैयार करेंगे। 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून गरम मसाला मिलाएंगे। इस मसाले को हमें गरम गरम मूंगफलियों पर ही डालना है, अदरवाइज ये मूंगफली पर अच्छी तरह से कोट नहीं होगा। देखिए मूंगफली भी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, इन्हें निकाल लेंगे। इन पर जो हमने मसाला बनाया था उसे मिक्स करेंगे। आप जो भी मसाला पसंद करते हो आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। आप इसमें मैगी मसाला या गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं, वो भी इसमें अच्छे लगते हैं। देखिए इनकी आवाज़ से ही पता चल रहा है कि कितनी क्रिस्पी बनी है। तैयार है बिल्कुल मार्केट स्टाइल हमारी बेसन वाली मूंगफली, चटपटी मूंगफली। आप अगर चाहें तो इन्हें बगैर एक्स्ट्रा मसाला डाले भी एंजॉय कर सकते हैं। आप इसे कम से कम एक बार जरूर बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।